फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है एक और सुबह की शुरुआत, और आज घी संक्रांति। आपको घी संक्रांति की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएँ। तो सब देवों के देव पति देव, खाओ भाई घी संक्रांति, सब में डालो हाँ। तो आज घी संक्रांति के दिन कहते हैं कि सब चीज़ में घी डालना चाहिए, घी खाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बोल मिठी पापा? घंडियाल क्या हो? घनियाल तो सब बोलन घंडियाल क्या हो? घनियाल बोलन घंडियाल, घंडियाल गौन हो भाई। मिस्टर साहब में भी एक से एक चीज है भाई, हैं हम तो पुराने जमाने के लोग हैं भाई। ए बाबा, तो पुनः सबको घी संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। सुबह सुबह ये दूध भी आ चुका है, भाभी ने रख दिया है तुम्हें पिल्लर के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, हमारे वहाँ सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह भाभी यहीं पर से दूध दे जाती है। क्यों हैं? प्योर दूध एकदम ठीक से रे, ठीक हुई है? आज तो बाहर आ गई घी खाने की है। मैंने ये ताज़ा घी बनाया फ्रेश, घी का स्वाद ही कुछ और, प्योर घी है भाई, हो गई स्वाद अलग। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से दुकान में अपना काम वाम निपटा करके, और आज थी घी संक्रांति, तो आज हर चीज़ घी में खाना था। और हम लोग कच्चा घी खाते नहीं है, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, तो आज के दिन तो बनता है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा घी खा लिया। तो दोस्तों, पहुंच गई हूँ मैं दुकान में, पर अभी आज कोई आया नहीं, मेरी भाभी जा रखी होगी वाले बेलपत्री चढ़ाने, तो लेट से ही आएगी। तो चलो हम कर लेते हैं दुकान की सफाई। तो आयुक्त की पहली घी संक्रांति। खूब बड़े हो जाओ भाई, भाभी। आज भाभी आ रही है 11 बजे, 10:45 हो गया। क्या है ये? इसमें खीर है, पूरे पकौड़े खाती नहीं है, 2 पकौड़े और दाल के पकौड़े। थैंक यू। मायके से कलियो आ गया, घी संक्रांति का कलियो आ गया मायके से। ले भाई, तेरी संक्रांति भी हो गई, ठीक है भाई। हम लोग, मैंने तो पूरी नहीं बनाई, सीधी और साफ बात, हम खाते ही नहीं है, तो मैंने बनाए पकोड़े और खीर, सब्जी और रोटी। हमारे नीचे वाले दे देते हैं ना, हाँ। सुबह ही दे दिया था हमने। अरे यार, तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा ढूंढा लूंगी रहती पूरी। कोई बात नहीं, घी हमने खा लिया था भाई, मैंने तो आज घी खाया। पर इनके वहाँ ये कब्बू कह रहे, मैंने कहा कब्बू को तुमसे अच्छे तो हम लोग हैं यहाँ बाजार में बैठे हुए हैं। पर कब्बू लोगों का त्योहार है भी नहीं ना, कोई नहीं। कैसे लड़ रहे देख ले, अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो हैं? किस बात पे लड़ रहे हो तुम हैं? तेज मत कर देना लड़ाई अब।
अच्छा तुम मजाक वाली लड़ाई कर रहे हो, मैंने सोचा तुम सच मुच वाली लड़ाई कर रहे हड्डी के हाल से जोर से लग रही। दोनों हड्डी हो तुम तो, अपने को क्या समझ रही है पहलवान? दोनों के दोनों हड्डी हो, अतः एक दूसरे पे आज मार रहे हो। मैंने सोचा तुम्हारे सच मुच की लड़ाई हो रही, तब तुमने चुपके से फोन निकाला। भगवान अरे आज क्या हो गया, घी संक्रांति के दिन ज्यादा घी खा लिया क्या? तू उठा उसको, तू उठा, तेरे बस कर, अरे हडेली तेरे बस का नहीं है भाई। इतने ही में तेरी सांस इतनी चल रही है, माय गॉड। उठा तो उठा उठा चल उठा। सुनता पतले लोगों पर ज्यादा ताकत होती है, हाँ ऐसे नहीं ना जैसे उसने उठाया था वैसे उठा, ऐसे नहीं। अरे देख रहे इनकी मस्ती है, दो घंटे उन्होंने बढ़िया से काम किया, अब देखो सब काम का वो निकाल दिया सारा बाहर। ताकत है अभी, परसों में छुट्टी हो जाएगी मेरी। निकल में हो गया, इतने में हो गई। ए भगवान इतने में हो गई, हे राम मत कर रे मदद। आगे देखो अभी 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 तो भाभी के हाथ से पिटेगी भाभी। तो अभी जो हम लड़ रहे थे वो था एक प्रैंक, हमने आप सबके साथ मजाक किया अपने साथ भी। थोड़ा फन तो चलता है यार, पर दो घंटे से प्रैक्टिस कर रहे थे, काम कर रहे थे, थोड़ा इनको मस्ती। काम करते करते जरा बोर हो गया, सन्नाटा छा गया था, तो सोचा कस्टमर भी नहीं आया कोई, तो सोचा थोड़ा प्रैंक करना चाहिए। लेकिन तू तो प्रैंक में ही घायल हो गई भाभी को कोई मतलब नहीं, तुम फ्रैंक करो जो करते हो उनका सीरियल रहता है, तुम लड़ो मरो काम करो, हल्ला मत करो मुझे देखने दो, टीवी का साउंड कम मत करना बस, चाहे बड़ा। तो दोस्तों एक बार फिर पहुंच चुके हैं घर, खाना वाना बनाने खाना खाने, तो बनाते हैं खाना पीना। तो दोस्तों बन गया है खाना, इसमें बन गया है चावल और इसमें बन गई है दाल, और दाल वही बनी है पीली वाली, और सलाद भी कट चुका है, और ये काट दिया है शाम के लिए गढ़ेरी, शाम को बनेगी गढ़ेरी। इसको काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको पहले काट के रख दिया कि शाम को आकर के फिर तुरंत बनाया जाए। तो दोस्तों लग चुका है खाना, दिन दोपहर का खाना, दोपहर भात और दाल, और ये है दही, और ये जो सुबह मैंने खीर बनाई थी तो इस टाइम भी थोड़ा सा स्वीट डिश का काम करेगी, और शाम का स्वीट डिश के लिए मेरे मायके सारक है उसको खाएंगे। तो चलो भाई साजी बैठा हो खोन खाना खावा तुम, मेरे बोल नहीं सब देवों के देव पति देव महाराज बोलते भी नहीं है कि चल आजा तू भी आजा खा ले। तुमको इतनी भूख लग जाती क्या स्कूल में बोल बोल के? हैं चलो तब खाते हैं दगड़ियों खाना, तुम लोग भी खाओ। आनंद आया खाना खाने में? बढ़िया। अब एक मिनट, तो
तुम थोड़ा सा, मैं तो खा चुकी हूँ खीर, मेरा तो कोई वीडियो शूट कर नहीं सकता था, लेकिन तुम खीर का एक चम्मच मुंह में डालो फिर देखो तुम खाओ। चम्मच डालो? हाँ, मतलब खीर का भरा हुआ चम्मच डालो एक मुंह में डालो। अच्छा, डालो डालो। बहुत टेस्टी हो रही ना, सुबह इतना टेस्ट नहीं था, इस टाइम ज्यादा टेस्ट है क्योंकि फ्रिज में रख के ना, वाओ बहुत मजेदार। मेरा तो अब और मन हो रहा, पर खत्म हो गई खीर। अब मैं दूंगा भी एक बाइट खिला दो यार। अरे यार तुम खिलाओ ना यार, मिट्टी बाबा एक चम्मच तो खिला ही दो यार, प्लीज। चम्मच चम्मच चाटना? ना ना, चाटना नहीं है, चम्मच क्यों चाटना, चम्मच जितना भी है खिला दो एक स्पून। वाओ यार बहुत बहुत टेस्टी खीर थी भाई, वाओ बहुत टेस्ट। तो दोस्तों दिन का खाना खा करके अब मैं निकल रही हूँ दुकान में, और बहुत यमी यमी वाली खीर खाई, बहुत टेस्टी खीर थी। चल चलाती धूप के बाद झमाझम बारिश, हाँ दो दिन बाद आ रही है आज बारिश। मैंने आपको बहुत बस पार्लर के अंदर इतनी गर्मी हो रही है, बाहर इतना सुहाना मौसम हो रखा है, कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है, वाओ ब्यूटीफुल। आपको भी दिखाती हूँ मैं, एकदम बारिश आने वाली है। और यहाँ बैक साइड में हम लोगों का वॉशरूम है, तो इसलिए हम आते हैं यहाँ। मैं यहाँ ही तो इतना सुंदर, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, अंदर इतनी गर्मी लग रही है, वहाँ पंखे चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आई तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत असम मौसम लग रहा था, तो मैंने सोचा आज अपने ब्लॉग को यहीं से समाप्त करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।